गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के किताब की कविता फसल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। फसल शीर्षक कविता को लिखने वाले कवि हैं नागार्जुन। कवि नागार्जुन इस कविता में फसलों के महत्व को बताते हैं या फसलों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। कवि नागार्जुन फसलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुंधर। कवि कहते हैं फसलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ये जो हम खेतों में लहलहाती हुई फलती फूलती हुई फसल को देखते हैं, वे फसलें कुछ और नहीं हाँ, ये फसलें कैसे तैयार हुई हैं, इन फसलों को तैयार होने में किसका सहयोग है। कवि कहते हैं कि इन फसलों को जो हम लहलहाते हुए खेतों में फसलों को देखते हैं, इन फसलों को उत्पन्न होने में, इनको बनाने में, इनके निर्माण करने में बहुत सारी चीज़ों का सहयोग होता है। और वो सहयोग क्या है? कवि कहते हैं कि इन फसलों के उत्पादन में किसी एक नदी का नहीं, दो नदी का नहीं, लेकिन देश में बहने वाली बहुत सारी नदियों के जल का प्रभाव है। यानी कि देश में बहने वाली एक नहीं, दो नहीं, लेकिन बहुत सारी नदियों के पानी से सिंचित होकर ये फसलें तैयार हुई हैं। फिर कवि कहते हैं आगे कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कहते हैं कवि कि इन फसलों को उत्पादन करने में, इन फसलों को इस तरह से खेतों में खड़ी जो हम देखते हैं, उन फसलों को तैयार होने में, तैयार करने में केवल नदियों का नहीं, लेकिन इनका सहयोग है लाखों करोड़ों, कोटि का अर्थ है करोड़, तो लाखों करोड़ों किसानों और मजदूरों के हाथों के स्पर्श से ये तैयार हुई है, उनके हाथों के स्पर्श, उनके मेहनत से ये पैदा हुई है, उत्पादित हुई है। फिर आगे कवि कहते हैं एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुंधर। कवि कहते हैं कि इन फसलों को तैयार करने में केवल नदियों का पानी नहीं, किसानों का या मजदूरों का परिश्रम केवल नहीं, लेकिन इन खेतों में फसलों को तैयार करने में खेतों की, एक खेत नहीं, दो खेत नहीं, लेकिन हजारों खेतों की मिट्टी और उनके स्वभाव का भी सहयोग है। तो इस पद में कवि यह बताना चाहते हैं कि फसल किस तरह से तैयार हुए हैं। ये जो हम खेतों में खड़ी फसल देखते हैं, फलती फूलती पुष्ट होती हुई देखते हैं, ये फसलें कैसे तैयार हुई हैं, इन फसलों को तैयार करने में किसी एक नदी का नहीं, किसी दो नदी का नहीं, लेकिन देश में बहने वाली बहुत सारी नदियों के जल के अमृत भरे सिंचन से इन फसलों का उत्पादन हुआ है। फिर कवि कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों किसानों और मजदूरों के हाथों के स्पर्श से, उनके मेहनत से ये फसल तैयार हुए हैं, ये फसल उत्पादित हुए हैं। फिर कहते हैं कवि कि इन फसलों को तैयार करने में किसी एक खेत नहीं, दो खेत नहीं, लेकिन हजारों हजार खेतों के मिट्टी और गुण, मिट्टी के गुण और धर्म, मिट्टी के गुण और स्वभाव से ये उत्पन्न हुए हैं। तो कवि इस पद में बताते हैं कि फसलों को तैयार करने में किसका किसका सहयोग है। कवि कहते हैं नदियों के पानी के सहयोग से ये उत्पादित हुई हैं, किसानों और मजदूरों के परिश्रम से ये तैयार हुई हैं। फिर कहते हैं इन फसलों को तैयार करने में खेतों की मिट्टी, विभिन्न खेतों की, हजारों खेतों की मिट्टी का प्रभाव है, मिट्टी के सहयोग से, उनकी मिट्टी में उपस्थित गुण और स्वभाव के सहयोग से ये फसलें उत्पन्न हुई हैं, ये फसलें तैयार हुई हैं। अगले पद में कवि कहते हैं स्वयं से सब
सवाल पूछते हैं, है ना। पहले वे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सुनहरी मिट्टी का गुणधर्म। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस पद में कवि क्या कह रहे हैं, इस पद में कवि कहते हैं कि सवाल पूछते हैं, पर कहते हैं कि फसल आखिर है क्या। ये फसल जो हम देख रहे हैं, ये फसलें आखिर है क्या। फिर वे स्वयं ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, ये फसलें कुछ और नहीं। क्या है ये फसलें? कुछ और नहीं है, ये नदियों के पानी का जादू है। अर्थात कवि कहते हैं कि ये फसलें कुछ और नहीं, लेकिन बहुत सारी ढेर सारी नदियों के पानी का प्रभाव का प्रतिफल है। ये फसलें नदियों के पानी का प्रतिफल है, उनके प्रभाव का प्रतिफल है, उनके अमृत भरे सिंचन का प्रभाव का प्रतिफल है। फिर कवि कहते हैं कि ये फसलें कुछ और नहीं, क्या है ये फसलें? हजारों लाखों करोड़ों किसानों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है। फिर कवि कहते हैं कि ये फसलें कुछ और नहीं, लेकिन क्या है ये फसलें? भूरी काली संधली विभिन्न प्रकार की मिट्टी, भूरी काली संधली मिट्टी आदि के गुण और स्वभाव का परिणाम है। फिर कहते हैं कवि कि ये फसलें कुछ और नहीं, क्या है? सूरज की किरणों का रूपांतरित स्वरूप है। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूरज की किरणों को लेकर के क्या करते हैं, अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वे सूरज की किरणों को अपने में समा लेती हैं, सूरज की किरणों को वे रूपांतरित करती हैं और अपने अंदर समा लेती हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का। कवि कहते हैं कि ये फसलें कुछ और नहीं, सूरज के किरणों का बदला हुआ रूप है। फिर कवि कहते हैं सिमटा हुआ है संकोच है हवा की थिरकन का। कवि कहते हैं कि ये सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप ही केवल नहीं है, उनका प्रतिफल केवल नहीं है, इसमें हवाओं का भी थिरकन क्या हुआ है, सिमटा हुआ है। ये फसलें हवाओं को भी क्या की हैं, अपने अंदर समाये हुए। हम जानते हैं कि फसलों को जब पौधे बड़े होते हैं तो बढ़ने में, पौधों को बढ़ने में हवाएं उनको झकझोर करके हिला करके उसको बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं, बढ़ने पकने फलने फूलने में सहायता देती हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि ये फसलें कुछ और नहीं हैं, किसका परिणाम है, किसका प्रतिफल है। कवि स्वयं प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि आखिर ये फसल है क्या। फिर स्वयं उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये फसलें कुछ और नहीं हैं, ये बहुत सारी नदियों के अमृत भरे जल के प्रभाव का परिणाम है। कवि कहते हैं कि ये फसलें लाखों करोड़ों किसानों के मेहनत का, उनके हाथों के स्पर्श का परिणाम है, उसका प्रतिफल है। फिर कवि कहते हैं कि ये फसल कुछ और नहीं, क्या है? विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के गुण और स्वभाव का परिणाम है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की भूरी काली संधली मिट्टी, आसंधली यानी कि चिकनी मिट्टी, तो भूरी काली संधली मिट्टी आदि मिट्टियों के गुण और स्वभाव का परिणाम है ये फसल। फिर कवि कहते हैं कि ये फसल कुछ और नहीं, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, यानी सूरज की किरणों को ये लेकर के क्या की हैं, अपने में उसको बदल करके अपने लिए भोजन तैयार किए हैं और इस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं, उत्पादित हुई हैं। फिर कवि कहते हैं कि इन फसलों में ना केवल नदियों के पानी, ना केवल किसानों का, ना केवल मजदूरों का, किसानों का, ना केवल मिट्टियों का और ना केवल सूरज की किरणों का, लेकिन अंत में कवि कहते हैं कि इन फसलों में हवाओं की थिरकन भी सिमटी हुई है, इन फसलों में हवाओं का थिरकन भी समाया हुआ है। इस तरह से कवि हमें बताना चाहते हैं कि
फसलों के उत्पादन में इन पांच तत्वों का सहयोग होता है। फसल के उत्पादन में इन पांच तत्वों का सहयोग होता है। कौन कौन सहयोग करते हैं फसल को उत्पादित होने में? नदियों के पानी सहयोग करते हैं, यानी कि नदियों के पानी से वह उत्पादन होता है। किसानों और मजदूरों के परिश्रम से उत्पन्न होता है। फिर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के गुण से, उनके स्वभाव से ये उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं कभी कि सूरज की किरणों के प्रभाव से ये उत्पन्न होती हैं। और फिर कहते हैं कभी अंत में कि हवाओं का भी इसमें सहयोग होता है। तो इस तरह से नदियों के पानी का, किसानों के हाथों का, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का, सूरज की किरणों का और हवाओं का, इन पांच तत्वों का सहयोग होता है फसल उत्पादन करने में। यानी कि इन पांच तत्वों के प्रभाव का परिणाम है ये फसल। धन्यवाद।